उत्तरकाशी टनल में बीते 17 दिनों से फंसे मजदूरों का इंतजार बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। केवल 4 मीटर की खुदाई बची है, जिसके बाद राहत बचाव टीमें मजदूरों तक पहुंच जाएंगी और एक एक कर सभी को बाहर निकालने का काम शुरू होगा। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता आमिर हुसैन ने जानकारी दी है कि मौके पर राहत बचाव कार्य आराम से हो सके, इसके लिए बाकी की सभी तैयारियां की जा रही हैं। सड़कों की मरम्मत की जा रही है ताकि एम्बुलेंसों को निकलने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के कर्मचारी टनल के भीतर उतरने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। प्राथमिक उपचार के लिए भी बाकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इन सबके बीच दिलचस्प बात यह है कि टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों को सूचित किया जा चुका है और सभी को अपने अपने बैकपैक के साथ तैयार रहने को कहा गया है। सभी से कपड़े इत्यादि जरूरी सामान लाने की अपील की गई है। ये यहाँ पर जो टनल के करीब का एरिया है, इसको अब तैयार किया जा रहा है। बकायदा एक रोड तैयार की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, यहाँ पर तमाम मजदूर जो हैं वो रोड बनाने का काम कर रहे हैं। दरअसल अब कुछ ही देर बाद जो है निकलने की तैयारी होगी। जो तमाम मजदूर फंसे हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि दोपहर तक ये ऑपरेशन कंप्लीट किया जा सकता है। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर दिक्कतें थी रोड को लेकर के, उसे क्लीन किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर आपको वहां पे चूना दिखाई दे रहा होगा, यानी कि बकायदा पूरी तैयारी है रेस्क्यू ऑपरेशन को ख़त्म करके इन तमाम लोगों को जो 17 दिनों से फंसे हुए 41 मजदूर, उनको निकालने की तैयारी है। ये हो गई दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाने हैं, वहाँ पर भी तैयारी आप देखिए। तमाम एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी। और उनके करीब में देखिए एक आपको स्ट्रेचर दिखाई दे रहे होंगे, 3 स्ट्रेचर तैयार किए गए हैं वहां पे, स्ट्रेचर जो हैं वो रखे हुए हैं। वो स्ट्रेचर जो जिसपे पाइप के अंदर रख करके उनको निकाला जाएगा, रस्सी के द्वारा खींचा जाएगा, वो स्ट्रेचर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी जब जैसे ही आए थे, उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनको रेस्क्यू करना है, और खासतौर पर 52 मीटर का पाइप हो चुका है, 5 मीटर का पाइप बचा है, 57 मीटर तक जाना है। तो ये देखिए लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के से पहले जो है बकायदा यहाँ पर रोड की तैयारी की जा रही है, ताकि एम्बुलेंस को आने जाने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। 41 मजदूर हैं, 42 एम्बुलेंस मंगाई गई हैं। पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा उन मजदूरों के लिए और उनको सीधे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। पिछले 17 दिन से न्यूज नेशन यहीं पर डट करके ये आपको तमाम जानकारी जो है पल पल की जानकारी दे रहा है ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं बकायदा वहां पर ब्रीफिंग दी जा रही है पुलिस वाले। देखिए आप, यह चौथी तस्वीर, डेवलपमेंट की चौथी तस्वीर देखिए, बकायदा ब्रीफिंग दी जा रही है। तमाम जो वहां पर पुलिसकर्मी हैं उनको इकट्ठा किया गया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ और इसके अलावा सीआरपीएफ और तमाम जो एजेंसियाँ हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको भी बकायदा ब्रीफ करके ये बताया जा रहा है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है तो आपको क्या करना है। सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ होंगी, कहाँ कौन कहाँ पर तैनात रहेगा, उसके लिए पूरा एक मैप तैयार किया जाएगा। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर जो अस्पताल मौजूद है वहाँ तक जाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, और इसी के माध्यम से जो है यहाँ से निकलेंगी करीब 41 से 42 एम्बुलेंसेस, जिसमें एक एक करके तमाम मजदूरों को पहुँचाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए फौरन चिन्यालीसौड़ अस्पताल ले जाया जाएगा। रेड माइनर सेना के जवान और तमाम राहत बचाव कर्मचारी किसी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम आला अधिकारी बारीकी से हर एक मोर्चे की समय समय पर जांच कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर उत्तराखंड के सीएम धामी की ही नहीं बल्कि पीएम मोदी की भी सीधी नजर है। दोनों ही समय समय पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन कर रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट ली थी। उन्होंने कहा था कि अंदर फंसे श्रमिकों की सुरक्षा के साथ साथ बाहर राहत कार्य में लगे लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि 12 नवंबर के दिन जब पूरा देश दिवाली की खुशहाली मना रहा था, जश्न के सरोवर में डूबा हुआ था, उस दिन उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में 41 लोग जिंदगी और मौत के बीच फंस गए थे। इन लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस टनल में जो लोग फंसे हैं उन सभी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अब बहुत जल्द ही उन सभी को खुशखबरी मिलने वाली है। परिजन लगातार मजदूरों की सही सलामती लौटाने की दुआएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज़ नेशन।